चार, निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। अब यहाँ पर शब्दों की अदल बदल कर दी गई है, हमें इन शब्दों को सही क्रम में जमा कर वाक्य बनाना है। खाई, गाजर, नी, खरगोश। अब बच्चों इसे सही क्रम में जमाएंगे तो वाक्य बनेगा, खरगोश ने गाजर खाई, पूर्ण विराम। इसी प्रकार रोहन ने पतंग उड़ाई। आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, गुरुजी पढ़ा रहे हैं। अब प्रश्न पाँच, संयुक्ताक्षर वाले शब्द बनाइए। हलंत प प्लस अ प, हलंत त प्लस र प्लस अ त्र, प त्र शब्द बनता है पत्र। अब हलंत श प्लस हलंत र प्लस अ श्र, हलंत म प्लस ई मी, हलंत क प्लस अ क श्र मी क, हलंत क प्लस अ क, हलंत क प्लस श प्लस आ कक्षा। प्रश्न छः, चित्र पहचान कर शब्द लिखिए और वाक्य बनाइए। बच्चों ये आपका क्रियात्मक कार्य है, यहाँ दिए हुए चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखें और उन्हीं नाम से एक वाक्य बनाएं। धन्यवाद।